पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी घरौंदा बॉल पुट्टी। जालौन जारी है। क्राइम फ्री जालौन की ओर कुठौत पुलिस के कदम। क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद के कुशल निर्देशन में कुठौत थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार तिवारी की टीम को मिली दो अहम सफलता। पहली सफलता कुठौत थाना क्षेत्र के हदरुक चौकी प्रभारी गोकुल प्रसाद को मिली, जिन्होंने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने 1250 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। इसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मुकदमे संगीन धाराओं में पहले से ही दर्ज है। तो वही दूसरी सफलता कुठौत थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी के हाथ लगी, जब उन्होंने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गौवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से एक नाजायज तमंचा और एक चाकू बरामद किया गया है। क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला और क्या विधिक कार्रवाई है? श्रीमान आईजी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में जनपद के कुठौन थाना क्षेत्र में 25/26 की रात में गौकसी से संबंधित दो ट्रकों को बरामद किया गया था और उसमें जो कुछ अभियुक्त वांछित चल रहे थे उन्हीं वांछित अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को एक के पास से नाजायज तमंचा और एक के पास से नाजायज चाकू बरामद करके अब उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी और उनकी तलाश जारी है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी घरौंदा बॉल पुट्टी।